क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों, और हार्ट रिसेट सक्सेसफुल हुआ है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आपके पास यदि वीवो S1 का फ़ोन है दोस्तों, उसमें आप पैटर्न लगा के भूल गए हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको 2023 का न्यू ट्रिक के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अनलॉक करके दिखाएंगे आपका यहाँ पर वीवो S1 का। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जब भी पैटर्न आप ड्रॉ नहीं करेंगे आपको फ़ोन अनलॉक नहीं होगा भूल जाने से। दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू ट्रिक के साथ यहाँ पर अनलॉक करके दिखाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर करना है दोस्तों। यहाँ पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इमरजेंसी में यहाँ पर आपको यहाँ पर जाने के बाद आपका 2023 का न्यू ट्रिक में दोस्तों आपको यहाँ पर कोड है *#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 ###########*#*#*#*#*##*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 #
इसको आपको यहाँ पर इंटर करने के बाद दोस्तों जो ग्रीन बटन है इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है एवर पैटर्न अभी तक ऐसा कुछ मतलब टूटा नहीं है, आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद दोस्तों आपको पावर ऑन बटन को यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको जो है इंटरनली आपका लोकेशन भी इनेबल होगा। दोस्तों आपको ऐसे ही आपके यहाँ पर छोड़ देने पर आपको जो है फ़ोन आपका इस तरह से आपका बैक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर स्टेप आपको यहाँ पर बता रहे हैं 2023 का। ये आपका न्यू सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर इस तरह से ही आपको फ़ोन यहाँ पर अनलॉक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जब मोबाइल ऑफ हो जाए, पावर ऑफ करने के बाद पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको प्रेस करने के साथ ही दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन और पावर ऑन अप बटन को प्रेस करके आपको जो है रिकवरी मोड आगे यहाँ पर जाना है। तो इस तरह से फिर से वीवो लिखा हुआ आएगा दोस्तों, और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगला स्टेप आएगा कि इसमें आपको पता चलेगा कौन सा स्टेप आपको यहाँ पर पहले करना है और किसको बाद में। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर स्टेप यहाँ पर आ चुका है, आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन सा आपको यहाँ पर पहले करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक सिस्टम करेंगे। यहाँ पर आपका पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको ये पूरा चेकिंग करता है और चेकिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करता है। तब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इस तरह से चेकिंग करने के बाद ओके करेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ओके करना है और फिर से हम लोग यहाँ पर चेक सिस्टम करेंगे दोस्तों। यहाँ पर चेक सिस्टम करेंगे और इसको जब यहाँ पर ओके आएगा तब आपको यहाँ पर ओके करना है। तो इस तरह से दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पर चेक सिस्टम करेंगे और यहाँ पर जब ओके आ जाएगा तब आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके कर देना है दोस्तों, ओके करना है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में जाना है, नेटवर्क अपडेट में जाना है दोस्तों, कनेक्ट टू द इंटरनेट जहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर नीचे ओके लिखा हुआ है, ओके कर देना है। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन जो है फिर से आपका ऑफ होके ऑन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से फिर से ऑन हो जाएगा और आपको जो है एक डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा। जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्कैन वाईफाई जो है आपको यहाँ पर हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके आपको यहाँ पर अपडेट करना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपडेट होना चालू होने के बाद इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों अपडेट होने में, तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर आके फॉरवर्ड करेंगे और इसके बाद जब आपका यहाँ पर हो जाए तब आपको यहाँ पर फिर से आपको करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको गलत पैटर्न एक बार ड्रॉ कर लेना है दोस्तों। गलत पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आपको फिर से पावर ऑन बटन यहाँ पर प्रेस करके रखना है और इसको आपको पावर ऑफ कर देना है। तो इस तरह से फिर से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको पावर ऑन बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों फिर से रिकवरी मोड आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर ऑन बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा। वीवो लिखा हुआ आने के बाद जो है दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से आपका यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर 2023 का न्यू सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर करना है कि आपको यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर चेक सिस्टम तो हो चुका है, आपको यहाँ पर दोनों फिंगर को एक साथ यहाँ पर रखना है। दोनों फिंगर को एक साथ रखना है दोस्तों और आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखना है कि क्लियर डाटा कप में जो है लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर चुका है, आपका 100% जो कोड यहाँ पर वर्क किया है और आपका 100% आपका यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन जो है सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों क्लियर ऑल डाटा में यहाँ पर ओके कर देना है और ओके करते के साथ ही दोस्तों आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्ड रिसेट का जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। जो पेटेंट पता नहीं था वो पेटेंट यहाँ पर आपको रिसेट कर दिया गया है।
तरह से आपका रिसेट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। रिसेट यहाँ पर होने के बाद आपका जो कंप्लीट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कंप्लीट होने का आपको सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, आपको रिटर्न जाना है, बैक करना है और रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। इसको यहाँ पर ओके करते के साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन जो है आपका यहाँ पर पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी रहे 100% यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से वीवो लिखा हुआ आएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है FRP का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जब यहाँ पर FRP का ऑप्शन है तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। स्टार्ट यहाँ पर करने के बाद आपको दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स को टिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है, इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको फिर से यहाँ पर जो है नेक्स्ट करना है। गूगल सर्विस का ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप करना है, इसको फिर से आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है और इसको आपको यूज नाउ का जो ऑप्शन है दोस्तों इसको आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। इसको आप